सेव की नमकीन बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कटोरी बेसन, 1 छोटी चम्मच अजवाइन। उसको हाथों से मसलकर फिर बेसन के साथ मिक्स करें। स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या तो नहीं डालें। और उनको अच्छी तरह से बेसन के साथ मिलाएं। पानी की सहायता से बेसन को गूँथ लें। बेसन ज़्यादा ना ही सॉफ्ट गूँथें और ना ही ज़्यादा हार्ड गूँथें। रोटी के डो की तरह बेसन को लगा लें। बेसन लगाने के बाद 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखें। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल डालकर 2 टेबल स्पून डालें और बेसन के साथ मिला दें, जिससे बेसन कुरकुरे और सॉफ्ट निकलेंगे। सेव निकालने के लिए सेव की मशीन को हाफ टेबल स्पून ऑयल डालकर ग्रीस करें। उसकी प्लेट्स को भी ऑयल डालकर ग्रीस कर दें, जिससे बेसन अच्छी तरह से बाहर निकलेगा। सेव अच्छे बनकर तैयार होंगे। आप जैसी भी वैरायटी के सेव निकालना चाहते हैं उसी तरह की प्लेट्स का यूज़ करें, जिससे सेव अच्छे और वैरायटी के निकल कर बाहर आएंगे। यहाँ पर मैंने 2 तरह के सेव बनाकर तैयार किए हैं, एक थोड़े से मोटे हैं और एक थोड़े से पतले हैं। ये जो सेव मुझे निकालने हैं पहले, वो मैं मोटे सेव निकालूंगी और उसके बाद पतले वाले सेव निकालूंगी। मस्टर्ड ऑयल में आप 1 कटोरी पीनट यानी मूंगफली के दाने डीप फ्राई कर लें और उनको भी अपनी नमकीन के साथ मिलाएं। आप मखाने भी ऐड कर सकते हैं, उनको हल्का सा रोस्ट कर लें। कुरकुरा होने के बाद फिर उन्हें अपनी नमकीन के साथ मिक्स करें। कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर गरम करें। तेल गरम होने के बाद अपने सेव फ्राई करें। आप जैसे भी सेव निकालना चाहते हैं अब वैसे ही प्लेट्स का यूज़ करें। सेव को एक तरफ से हल्का सा कलर आने के बाद दूसरी तरफ पलट दें और अच्छी तरह से पका लें। मेरे सेव बनकर मोटे वाले तैयार है। अब यहाँ पर मैं पतले वाले सेव निकालने के लिए मैंने पतली वाली प्लेट का यूज़ किया है। उसमें बहुत ही बारीक से होल्स हैं, जिससे पतले सेव निकलकर बाहर आते हैं, और मीडियम फ्लेम पर इनको पकाएं। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो सेव अच्छी तरह से पकेंगे नहीं, अगर आपने लो फ्लेम रखा तो तेल ज़्यादा लगेगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पर पकाएं, जिससे ऑयल भी कम यूज़ होगा और सेव भी अच्छे निकल कर बाहर आएंगे। नमकीन को मिक्स करने के लिए एक मैंने यहाँ पर स्ट्रेनर का यूज़ किया है। उसमें मैंने दोनों टाइप्स के सेव डालकर थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लिया है। उनमें फ्राई किए हुए पीनट्स ऐड कर दिए हैं। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें, क्योंकि हमने सेव में पहले से नमक ऐड कर रखा है। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया है क्योंकि मैंने अपने सेव में लाल मिर्च पाउडर पहले से डाल रखा है। 1 छोटी चम्मच चाट मसाला डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और साथ में पीनट्स डालकर मिक्स करें। यहाँ पर मैंने स्ट्रेनर का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जो एक्स्ट्रा नमक होगा सेव में यूज़ होने के बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो बाहर निकल जाएगा। आप चाहें तो किसी थाली का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आप मखाने डालने चाहें तो उनको भी रोस्ट करके
इसी स्टेज पर डाल दें, जिससे हमारी क्विक सेव नमकीन बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।